जल सत्याग्रह कर किसानों ने किया कृषि बिल का विरोध। रीवा में अनशन के हुए 100 दिन पूरे। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार के लाए कृषि बिलों के विरोध में रीवा में किसानों द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानून बिल का विरोध थमने का दाव नहीं ले रहा है। किसानों ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके तहत विगत 4 माह से दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। वहीं दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में समूचे देश के किसान एकजुट होकर अपने अपने जिलों में विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि कानून बिल का विरोध रीवा में भी लगातार देखने को मिल रहा है। दस सैकड़ों की तादाद में किसान कृषि उपज मंडी करहिया में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत आज किसानों ने व्यापक पैमाने में अपना विरोध दिखाते हुए जल सत्याग्रह किया। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून बिल के विरोध में रीवा के किसानों का धरना विगत 100 दिनों से जारी है। यहाँ पर किसानों के द्वारा अपना विरोध जताने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके बाद अब आज रीवा में आंदोलनरत किसानों ने जल सत्याग्रह की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे चिर निद्रा में बैठी सरकार को जगाया जा सके। रीवा में किसानों के द्वारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बिहरा गांव में बने बांध में जल सत्याग्रह किया गया है, जहां पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई है। प्रस्तुत है किसानों से प्राप्त जानकारी के अंश। किसान मोर्चा जनवरी से अनावरत करहिया मंडी में जारी रखे थे, लेकिन हिंदुस्तान की निकम्मी सरकार ने कल हम लोगों के साथ ज्यादती करके हमारे सामान को जबरदस्ती उठा करके और बिहरा में रख दिया। जहाँ पे रखा वहीं पे हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया रात तो रात, और जल सत्याग्रह करना था हम लोगों को बाबा घाट में, लेकिन इस सरकार के कुर्ता के कारण हम लोगों को बनकुइयाँ बांध में करना पड़ा है। और ये बांध भी जो है बड़ा पावन और पवित्र बांध है, और ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हम लोग ये बिल वापस नहीं करा लेंगे, तब तक आंदोलन नहीं बंद करेंगे। सरकार तानाशाह होती है, लेकिन जनता के आगे, लोकतंत्र में प्रजा के आगे, किसान के आगे हर सरकारों को झुकना पड़ा है। 1908 में भगत सिंह के चाचा ने अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ 3 कानूनों के खिलाफ 9 महीने आंदोलन किया था। हम उसी हिंदुस्तान के किसान हैं। हम 2024 तक सरकार को हटाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली आंदोलन के समर्थन में रीवा संभाग मुख्यालय पर निरंतर 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आज धरने का 100वां दिन है, और कल जिस तरह से शिवराज और मोदी हुकूमत ने हमारे धरने को शहर से हटाने का काम किया, हम लोगों ने रात्रि को ही बिहरा गांव में धरना शुरू किया, और जो जल सत्याग्रह का कार्यक्रम विक्रम पुल के पास रखा गया था उसको आज इस बनकुइयाँ बांध में हम लोगों ने करके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से कि हम लोगों के पास बहुत सारे अभी किसानों के पास आंदोलन के तरीके हैं, आपको किसान बिल वापस लेना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार आपके इस आंदोलन से सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है? हम सरकार को जगाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, और ये मैसेज कर रहे हैं अपने देश के किसानों को, जिले के किसानों को, कि हमें इस कानून के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, चाहे जितने आंदोलन के तरीके अपनाना पड़े।